संत आशाराम बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर के तत्वावधान में सोमवार को आशाराम बापू के 60वें आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त बाड़मेर शहर में विशाल संकीर्तन वाहन रैली निकाली गई। इसमें वाहनों को भगवान के अवतारों एवं संत महापुरुषों की दर्शनीय झांकियों से सजाया गया। संकीर्तन यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। संत आशाराम बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति बाड़मेर के तत्वाधान में सोमवार को आशाराम बापू के 60वें आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त बाड़मेर शहर में विशाल संकीर्तन वाहन रैली निकाली गई। इस वाहन रैली में आशाराम बापू के सैकड़ों अनुयायियों ने भाग लिया। रैली के दौरान वाहनों को भगवान के अवतारों एवं संत महापुरुषों की दर्शनीय झांकियों से सजाया गया। कीर्तन यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। समिति के प्रवक्ता ने बताया कि संत आशाराम बापू कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो लाखों जन्मों के बाद भी यह ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखों से पिंड नहीं छूट सकता। सद्गुरु वशिष्ठ जी से यही आत्मज्ञान भगवान रामचंद्र ने पाया था। गीता का यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से पाकर अर्जुन धन्य हुए थे। समिति प्रवक्ता ने बताया कि समाज इस आत्मज्ञान गीता के ज्ञान की महत्ता को समझे, इसलिए संत आशाराम के करोड़ों साधक इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं। भव्य संकीर्तन यात्रा के बाद आश्रम में श्रद्धालुओं ने श्री पादुका पूजन, ध्यान, भजन, कीर्तन, जाप व बापू के सत्संग श्रवण का लाभ लिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आशाराम बापू के अनुयायी मौजूद रहे।